भोले बाबा। पार्वती जी सज धज के वृंदावन जा रही थी। भोले बाबा पूछते हैं, पार्वती कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, वृंदावन में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रास में शामिल होने जा रही हूँ। भोले बाबा बोले, पार्वती मुझे भी लेते चलो, आज तक भगवान कृष्ण का रास नहीं देखा। पार्वती जी ने मना किया कि हे नाथ, हे बाबा, उस रास में नारियों और गोपियों के अलावा कोई पुरुष नहीं रहता, आप मत जाओ। भोले बाबा बोले, पार्वती ऐसा करो, साड़ी वाड़ी पहना दो, जूड़ा उड़ा बांध दो, लाली लिपस्टिक लगा दो, लेकिन भगवान कृष्ण का रास दिखा दो। पार्वती जी के मना करने के बावजूद भी भोले बाबा कैसे जाते हैं वृंदावन, सुनिएगा बड़ा सुंदर भजन। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी को कुल में आ गए, को कुल में आ गए। हो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, राम ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल पार्वती। आज बीरज में रास है भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी को कुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी कहती है, मत जाइए प्रभु, बड़ी हंसी होगी, वहाँ नारियों और गोपियों के अलावा कोई पुरुष नहीं रहता, प्रभु मत जाओ। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं उस रास में, मोहन के सिवा दूजा पुरुष न होगा उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल पार्वती। ऐसा करो, मुझे भी साड़ी वाड़ी पहना दो यार, जूड़ा उड़ा बांध दो, लाली लिपस्टिक लगा दो, बता देना भगवान कृष्ण से बचपन की सहेली है, लेते चलो वृंदावन, भगवान कृष्ण का रास दिखा दो। पार्वती ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बता
राज को लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर के भंडारी वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कहते हैं पार्वती पहुंच जाते हैं, हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर चरक साहब की तरफ से 300 रुपए की भेंट आई है। भाई चरक साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान कृष्ण ने देखा जब कि ये पार्वती जी के साथ कौन नाच रहा है, साड़ी वाड़ी पहने जाना नहा रहे हैं, जन्म अनिर्विकार शाश्वत विराट सत्ता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण समझ जाते हैं, आज मेरे दरबार में मेरे रास में साक्षात गौरा पार्वती त्रिलोकी नाथ बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मारे खुशी के भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और जब बांसुरी बजाते हैं भोले बाबा बांसुरी सुनकर मगन हो जाते हैं, और ऐसा मगन होते हैं कि साड़ी वाड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, भोले बाबा का बिल्कुल दिखाई देने लगता है साक्षात भोले बाबा। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुध भूले भोलेनाथ को। क्या होता है जब मगन हो जाते हैं भोले बाबा तो क्या होता है, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी को कुल मियां आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, को कुल मियां आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। उसी दिन से वृंदावन में भी भोले बाबा का धाम हो गया गोपेश्वरनाथ के नाम से। पार्वती जी कहती हैं, बाबा ओ मेरे भोले स्वामी, तब से गोपेश्वर बड़ा नाम रे, भक्तों की रक्षा खातिर वृंदावन बना धाम रे, सब मिलकर करें ये विनती, हम सब मिलकर करें ये विनती, रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी को कुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, कुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की, हमारी भी।